आप जरा सोचिए, शंकराचार्य को जो लोग जानते हैं, अरे कौन नहीं जानता शंकराचार्य को, ओहो शंकराचार्य के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य, शंकर मत, भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त गौड़पादाचार्य, भजन करते वृंदावन में, तीन बार राधा रानी पूछने जाती और तीन बार स्वयं श्री कृष्ण पूछने जाते, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है? ध्यान से सुनो, तीन बार साक्षात श्री किशोरी जी जाती पूछने के लिए, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सुविधा नहीं? नहीं किशोरी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तीन बार ठाकुर आते, बहुत वर्ष हो गए, एक दिन जब किशोरी जी आई और पूछा बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है, तो उस दिन कह दिया गौड़पादाचार्य ने, भारी तकलीफ है, बहुत तकलीफ में हूं। अरे तो बताया नहीं, किस बात का तकलीफ है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो हाथ जोड़कर कहते हैं गौड़पादाचार्य, हे किशोरी जी मेरा सौभाग्योदय कब होगा? अगर ध्यान से सुनोगे तो आनंद लोगे, और वृत्ति इधर उधर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मन ही तो, यहां बैठे रहो पुतले की तरह, मन कहीं और है तो क्या खाक देखोगे? कई बार देखते नहीं, घर में आप बैठे हुए हो ऐसे करके, ऐसा कर दिया, कल उसको बता दूंगा, सामने से पत्नी चली गई, उसको मैं देख लूंगा, बेटी चली गई, बेटा आया, पापा पापा मम्मी को देखे क्या? हाँ कब कहाँ? अरे अभी तो तुम्हारे सामने से गई। अरे बेटा मैं कहीं और खोया हुआ था, आंखें तो थी। नहीं नहीं, आंख नहीं देखती, देखता मन है, इंद्रियां नहीं देखती, इन इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं है, अगर ये इंद्रियां मन का सहयोग न ले तो ये होते हुए भी आंख के अंधे रहोगे, कान के बहरे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुना? अरे वो जड़वत हो गए हैं, आंखें खुली हैं, किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं पहचानते। क्यों? आंख तो देखने वाली चीज है, आंख है तो दिखना चाहिए। बोला नहीं, जड़ हो गए पिता की मृत्यु के बाद, उनका दिल कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया। कहते हैं मेरा सौभाग्योदय कब होगा? किशोरी जी की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, करुणा की अवतार हैं किशोरी जी राधा रानी। याद रख लेना, दो ही लोगों को भगवत कथा सुनने का अधिकार है, अगर तुम तीसरे हो तो बैठना भी बेकार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखो संसार में इतने झमेले हैं, नींद तो दो ही जगह आती है, या तो मैया की गोदी में या गुरुदेव की कथा की गोदी में, तो दोनों ही माँ ही है। कहाँ नींद आता, लोग दवाइयां खा रहे हैं लेकिन नींद नहीं आती, मरे जा रहे हैं सोए बिना। पर ये एक ऐसी जगह है जहां किशोरी जी अपना आंचल फैला के रखती हैं, थका है हाँ आ जा मैं तुझे सुलाऊंगी, और अपनी लोरियां सुना के और किशोरी जी सुलाती हैं। इसे बुरा मत मानना, गलत मत मानना, इसे मैं हृदय से कहता हूं, कोई मस्ती के लिए नहीं कहता। ये ऐसी जगह है जहां पायो परम विश्राम, परम विश्राम। तुम्हारे डॉक्टर भी, इनको पता है गुरुदेव के चरण में बैठे हैं, किशोरी जी यहां बैठी हैं, आज जो होगा होगा देखा जाएगा, निश्चिंत होकर श्री ठकुरानी की गोद में थोड़े देर के लिए, हाँ आनंद है, ये मस्ती है। मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, दो ही प्रकार के लोग कथा सुनने के योग्य हैं, भागवत कहती है, पहला जो रसिक है और दूसरा जो भावुक है। इमोशन चाहिए, एक्शन नहीं, इमोशन, डिवोशन, श्री कृष्ण के साथ रिलेशन, इसके बिना कथा नहीं सुनी जाती। पहले तो आपको अपना रिलेशन डिफाइन करना होगा श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण मेरे कौन? सड़क पे चले जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ भैया? बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं। फिर एक दिन चले जा रहे थे, क्या हुआ भैया? एक्सीडेंट हुआ,
कौन है? देखा तो अपने ही भाई गिरा हुआ है। अब भी तुम्हारी हस्ती है, चले जाओगे ऑफिस, चले जाओगे अपने दुकान? क्यों? एक्सीडेंट तो कल भी हुआ था, कल भी वैसे ही खून निकल रहे थे। बोला नहीं गुरुजी, उससे मेरा कोई ज्यादा रिलेशन था नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा ब्लड का रिलेशन है इसके साथ। तुम्हारे इमोशन तब आते हैं जब जीवन में किसी के साथ रिलेशन होता है। विदाउट रिलेशन देयर इज नो इमोशन, एंड विदाउट इमोशन देयर इज नो डिवोशन, एंड विदाउट डिवोशन कृष्णा इज नॉट फॉर यू। सूत्र है। तो इस दुनिया में अगर पहला कोई काम करना चाहते हो तो अपने गुरु और अपने कृष्ण के साथ अपना रिश्ता डिफाइन करो, तय करो, वो मेरे कौन है? ही इज माइन, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं।